नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। आपने झाड़ू के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होगी, जरूर सुनी होगी, इसमें कोई दोराय नहीं है क्योंकि पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपने शायद ही पहले सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, लेकिन नहीं सुना होगा तो सुन लेंगे आज, और सुना होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। झाड़ू को हिंदू धर्म में लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, और झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर हम कर लें तो बहुत बेहतर रहता है। क्या है कि झाड़ू जो होती है वो घर में साफ सफाई करने के काम आती है। विशेष ये कई प्रकार की होती है, घास फूस की होती है, शिंकों की होती है, प्लास्टिक की, फाइबर की होती है, कई प्रकार की झाड़ू आजकल बाजार में उपलब्ध है। लेकिन झाड़ू कोई भी हो उसका काम सिर्फ कचरा बुहारना, सफाई करना है। ऐसे में उससे संबंधित कुछ नियम बनते हैं, जैसे उस पर पैर नहीं लगाना चाहिए, दरवाजे के पास झाड़ू नहीं रखना चाहिए, ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहली बात तो हमने जान ले कि शास्त्र में जो झाड़ू है वो लक्ष्मी का प्रतीक के रूप में बताई गई है। हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ऐसे में क्या होता है, पुराने झाड़ू या खराब झाड़ू जो होती है उसे शुक्रवार या गुरुवार के दिन घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग तो गुरुवार के दिन झाड़ू निकालते भी नहीं है घर में। उससे क्या होता है, कहते हैं कि गुरुवार के दिन झाड़ू निकालने से भगवान विष्णु नाराज होते हैं। हालांकि ये बात सही है नहीं है मुझे नहीं पता, मैं इस बात के बारे में ज्यादा रहस्य नहीं रखता, लेकिन जो बात मैं बता रहा हूँ वो बात आपके लिए बड़ी कीमती है। कुछ लोग गुरुवार के दिन झाड़ू नहीं निकालते, लेकिन गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन घर से झाड़ू को बाहर फेंकना नहीं चाहिए, बाहर रखना नहीं चाहिए। कारण यह है कि गुरुवार जो है वो विष्णु भगवान का दिन माना जाता है और शुक्रवार जो है वो माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, और इस दिन झाड़ू को बाहर रखने से लक्ष्मी और विष्णु दोनों ही नाराज होते हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहने से घर में धन और शांति दोनों ही नष्ट होने लगते हैं, तो इस दिन का बहुत लोग बचाव करते हैं। इसके बाद एक बात और भी है कि झाड़ू जो है उसको लांगा नहीं जाता, कभी भी झाड़ू को लांगना नहीं चाहिए, उस पर पैर नहीं लगाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आप अगर गौर करें तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, शास्त्रों में दो बातें बताई गई कि झाड़ू किस दिन खरीदना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया कि मंगलवार या शनिवार के दिन झाड़ू को खरीदना अति उत्तम रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, साथ ही घर संपन्नता से बढ़ जाता है, आर्थिक संपन्नता भी आपको प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। वही झाड़ू खरीदने के लिए वार के अलावा पक्ष का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या है कि झाड़ू को कृष्ण पक्ष में खरीदना सबसे बढ़िया माना जाता है। कृष्ण पक्ष में हो, मंगलवार हो और शनिवार हो, इन दिनों में झाड़ू खरीदते हैं। लेकिन यह एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं कि जब आपके पास कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, कोई भी रास्ता जीवन में प्रगति का दिखाई नहीं दे रहा, आप एकदम चौराहे पर खड़े हो गए या फिर ऐसी अवस्था में खड़े हो गए जहां से आपको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा, तो आपको बुधवार के दिन झाड़ू खरीद के लानी चाहिए। और बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष में आप अगर झाड़ू खरीद के लाते हैं और उस झाड़ू से आप अपने हाथ से थोड़ी सी करो, चाहे आप पुरुष हो, घर में सफाई का काम स्त्री या माताएं बहनें करती है, लेकिन अगर आप पुरुष भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी उस झाड़ू से आप सफाई कर दो बुधवार के दिन। बस देखो उस झाड़ू से जैसे जैसे आप थोड़ी सी सफाई करोगे आपकी बुद्धि में प्रकाश पैदा होना शुरू होगा और आपको आगे का रास्ता मिलना शुरू हो जाए। ऐसा करने से उन्नति के रास्ते आपको प्राप्त होंगे और क्या करना है इसका आपको बड़ी जल्दी पता लगने लग जाएगा। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी लिखा है कि झाड़ू को कहां रखना चाहिए, तो शास्त्र कहते हैं कि झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां किसी की भी नजर नहीं पड़े, और बिस्तर के नीचे झाड़ू को कभी भी नहीं रखना चाहिए। सूर्यास्त के बाद में झाड़ू को नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू जो सफाई करते हैं वो सफाई सूर्यास्त के बाद में नहीं करनी चाहिए, पहले पहले आप कर लो तो बढ़िया है। ये झाड़ू से संबंधित कुछ बातें अगर आपके काम की हो तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्णा मित्रों।